बंगाल के नेताओं का ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन मेरा ये आप लोगों से आग्रह है कि जो आज का कार्यक्रम है इसको नंबर दो मत मानिएगा, कल का ही एक्सटेंशन इसको मानिएगा, इसके बाद भी 6 राउंड बाकी हैं। लगातार बंगाल के अंदर जिस तरीके से पूरा भाजपामय हो रहा है आप सब देख ही रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और कल आप लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में विशेषकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। आज 4 बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग होने जा रही है। बीरभूम जिले के लबपुर विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के विधायक, तृणमूल कांग्रेस के MLA श्री मुनीरुल इस्लाम जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश जी से आग्रह करूंगा कि वो मुनीरुल इस्लाम जी का पार्टी में स्वागत करें, उन्हें पार्टी में ज्वाइन कराएं। आदरणीय कैलाश जी और मुकुलदा विधायक जी को पार्टी की सदस्यता की जो पर्ची है वो देंगे। तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिले के युवा विंग के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व में विधायक रहे हैं ऐसे गदाधर हजारा जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मेरा आग्रह है कैलाश जी और मुकुलदास जी को उनका स्वागत पार्टी में करें। गदाधर हाजरा। बीरभूम जिले के TMC युवा विंग के जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद आसिफ इकबाल जी, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। नाम बोला मोहम्मद आसिफ इकबाल, बीरभूम जिला यूथ TMC के जनरल सेक्रेटरी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। बीरभूम जिले के एक बहुत TMC के कद्दावर कार्यकर्ता हैं निमई दास जी, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं पार्टी में। एक बार साथ आइए। इस अवसर पर मुकुलदा आपसे कुछ 2 शब्द बोलेंगे। देखिए, पहले हम लोग को जो प्रवक्ता था वो बोल दिया ये इसका एक्सटेंशन है। जिस तरीका से पिछले 2016 में इलेक्शन हुआ ना, 2016 में क्या हुआ, 6 दफा चुनाव हुआ लेकिन 1-1 ये हुआ, मालूम है तो मालूम है सबको। तो ये आज का जो ज्वाइनिंग ये एक्सटेंशन है पिछले दिन का। मुनीरुल इस्लाम वो लबपुर का MLA है,
वो खादी ग्रामोद्योग जो भंडाराय विलेज इंडस्ट्रीज उसका वाइस चेयरमैन है, पाथर प्रतिमा डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन है मनिरुल इस्लाम, आज तृणमूल छोड़ के भाजपा में आ रहा है। दो, गदाधर हाजरा, वो 2011 से 2016 तक विधायक थे, 2016 में वो अनफॉर्चुनेटली हार गया। उसके साथ साथ उसको तृणमूल कांग्रेस बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का यूथ तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट किया था। आज गदाधर हाजरा भी वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट यूथ तृणमूल कांग्रेस के पद छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहा है। और उसका जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ और बीरभूम का एक बहुत हिम्मतदार कार्यकर्ता निमाय दास भी आज भारत बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। देखिए बीरभूम लोकसभा और बोलपुर लोकसभा, ये दोनों लोकसभा में हम लोग चूड़ी का मतलब से हार गया है। हम लोग उसको ऑर्गेनाइजेशनली कम्बैक्ट करने नहीं सका। आज माइनॉरिटी का भेतर से जो आवाज उठ रहा है ये तो वन ही एक्सटेंशन है, 2, 3, 4, 5 में देखेंगे माइनॉरिटी एमएलए माइनॉरिटी एमपी किस तरीके से भाजपा में शामिल हो रहा है। तो ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये स्लोगन में विश्वास लेके ये लोग सब आज भाजपा में ज्वाइन कर रहा है। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी मीडिया के मित्रों को संबोधित करेंगे। धन्यवाद अनिल जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बंगाल के अंदर जिस प्रकार की आतंक वाली राजनीति चल रही है, और मैंने पहले भी कहा कि विद इन पार्टी भी काफी अंतर कलह है। दीदी के अहंकार के कारण वहाँ पर काम करने में लोगों का दम घुट रहा है, और इसलिए बड़ी संख्या में लोगों का विश्वास मोदी जी के ऊपर है। और मोदी जी न सिर्फ बंगाल के अंदर शांति की स्थापना करेंगे, हिंसा समाप्त करेंगे, बल्कि बंगाल को विकास करके आगे बढ़ाने के लिए हम सबका सहयोग करेंगे, इस प्रकार की भावना पूरे बंगाल के अंदर है। और इसी तारतम्य में आज हमारे बीच में भाई विधायक जी मुनिरुल इस्लाम जी आज हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में भाई गदाधर हाजरा, मोहम्मद आसिफ जो यूथ विंग के हमारे लीडर हैं, और निमय दास, ये चारों वीरभूम के काफ़ी दमदार कार्यकर्ता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं उस बंगाल के प्रभारी के हिस्से से इन चारों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कोई आप लोगों का सवाल कैलाश जी से या मुगल दास से तो नाम पकड़े बोले। हाँ पूछिए चलिए। नहीं, उनको नहीं आने का कोई बहाना अगर वो ढूंढ रही हो उनको मिल गया। बाकी हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं ने तय किया था कि वहाँ ऐसे कार्यकर्ता जिनके यहाँ कुछ इस प्रकार की घटना हुई है, यदि वो आना चाहे तो आ सकते हैं। तो कुछ परिवार ने आने की इच्छा प्रकट की थी, हम मना तो कर नहीं सकते थे उनको, हमारे कार्यकर्ता का परिवार है। और इसलिए पार्टी अगर किसी को आमंत्रित करती है उससे ममता जी को अगर तकलीफ़ है तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि ममता जी का फेडरल सिस्टम पे पहले भी विश्वास नहीं रहा, पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पे जो टिप्पणी की वो सारा देश जानता है। तो शायद यहाँ नहीं आने का वो बहाना ढूंढ रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है। आप पूछना चाहते, पूछिए। अच्छा अमित जी पूछिए। अमित, लेफ्ट की और
कांग्रेस के विधायक थे, बीजेपी झूठ फैला रही है कि टीएमसी के विधायक चल रहे थे कल, वो कल रह जाओ। देखिए अभी हमारा दो सवाल है, ममता जी के पूछो अभी नदिया डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट वो कौन पार्टी का है, तृणमूल का ना कांग्रेस का। ममता जी को पूछो शांतिपुर का विधायक जो वो बोल रहा है तृणमूल का विधायक वो कौन दल का है ये पूछो। देखिए बंगाल में ये जो जो तुषार वर्चस्व है वो जरूर इंडियन नेशनल कांग्रेस से टिकट से जीता है, तो लेकिन ममता जी का जो घटना चल रहा है वो घटना अनडेमोक्रेटिक है, वो सबको ले लेता है। देखिए पीएससी कमेटी तो अपोजिशन का होता है, तो नदिया जिला का जो कांग्रेस का विधायक है जो तृणमूल कांग्रेस में प्रेसिडेंट होता है वो कौन पार्टी का है, ये तो बंगाल का दो सांबादिक तीन सांबादिक है, ये प्रश्न का सवाल का जवाब इन लोग का पास है, किसी के पास नहीं है। ये तो बंगाल का ये सवाल है। आज वो फेस सेविंग करने के लिए बोल रहा है वो तृणमूल का नहीं है वो कांग्रेस का है, ये फेस सेविंग का एक फॉर्मूला है। लेकिन मीटिंग में वो लोग बोल रहा है हमारा तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रेंथ है इतना 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 इतना, ये तो ओनली फेस सेविंग है। चलन जी आपका किसका था? अभी उनका मत हो सकता है, पर बंगाल की पार्टी ने अगर तय किया कि ये लोग शपथ समारोह में आए तो ये बंगाल पार्टी का निर्णय है, उसमें ममता जी को क्यों आपत्ति हो सकती है, मेरे समझ से बाहर है। देखिए ये सच नहीं है, पिछले पंचायत चुनाव में हमारा 80 कर्मकर्ता तृणमूल का हाथ में निहत हुआ है, इसलिए दिल्ली में धरना हुआ, ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ और सब जगह में ये एक ही है, जो बंगाल में जो हिंसा चल रहा है ये हिंसा तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का तृणमूल कांग्रेस और उसका पार्टी और गवर्नमेंट एक साथ के मिलकर कर रहा है। या किस लिए कल फॉर देखिए